आज हम नाश्ता यहाँ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नाश्ता को इंग्लिश में बोलते ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, 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 ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, इट्स एक्चुअली ब्रेकफास्ट। हाय गाइस, वेलकम टू टुडेस व्लॉग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द मोटर माउथ कपल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव ऑन अ प्रैंक कॉल एंड अपना ये वाला कार्टून वॉइस चैलेंज, कार्टून वॉइस चैलेंज एंड ऑल अदर वीडियोस टू। प्यार तो बरस ही रहा है चारों तरफ से और ऐसे ही बरसाते रहो। फाइनली वी हैव क्रॉस 35,000 सब्सक्राइबर्स। गाइस, अभी हम लोग निकल गए हैं होटल से और हम जा रहे हैं फिल्म सिटी, जहाँ पे उत्कर्ष का सेट है और मेरा स्टूडियो सेटअप है। अभी हम रास्ते में नाश्ता करेंगे क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। और आज नोंदी मैं सोच रहा हूँ कि आज गुजराती नाश्ता हो, ढोकला, खमन, अपना खांडवी। मैंने सोचा एक बार मास्क हटा के आपको शक्ल दिखा दूं। जगदीश नु गुजराती खमन चाले। ये कौन सी गुजराती है? ये लर्निंग वाली है। तो गाइस, मैं ले रही हूँ ढोकला और खांडवी। और खांडवी मैं ढोकला बन के ढोकला खाने आया हूँ। अभी हमने नाश्ता ले लिया है एंड अंदर उन्होंने मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, तो मुझे बंद करना पड़ा। यार, ये खाने की जगह पे क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते? मैंने देखा है कि गुजरात में ऐसे बहुत सारे स्टोर्स में जहाँ पे आप खाना खाने जाओ ना, वहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते। क्यों? इन्हें लगता है कि जो इनके स्टोर का जो प्रेशियस डिजाइन है और जो इन्होंने सोने चांदी जो गड़ा रखे है वो कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि ये मिठाई की दुकान नहीं, ये सोने की दुकान है, इसके अंदर सोना है, इसका कोई नक्शा चोरी ना कर ले, ये कहीं ये ना कोई ये ना दिख ले काजू कतली, बोले तो जो 24 कैरेट सोना है वो कहाँ है। ये आजकल आप बोले तो बहुत बोलने लग गए, ये कहाँ से आया? बोले तो बोले तो मुन्ना भाई से कहाँ से आएगा बोले तो। ये क्या दोनों की व्लॉगिंग? अरे 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 अरे, मुझे बिठाओ तो सही। हाय नोनी जी, आप गाड़ी आगे क्यों चला रहे हो? भैया नमस्ते, कैमरे को हेलो बोल दीजिए। हेलो। तो मैंने अभी सेटअप कर लिया है और सब कुछ रेडी है। अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी, फिर थोड़ी सी देर में हम लोग नाश्ता करेंगे, तब मिलते हैं। ये खांडवी, ये ढोकला, ये पात्रा, ये मिनी समोसा। अच्छा, मैं अभी बस पहुंची हूँ रूम में एंड अभी मेरा ऑनलाइन एक इवेंट है। गाइस, मैं ना अभी यहाँ पे एक ऑनलाइन इवेंट अटेंड कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ एंड यहाँ पे ये यहाँ खड़े होके सामने से मुझे हंसा रहे थे। हंसते रहना चाहिए और देखो सब लोग इंटरव्यू में जैसे मैं और मैं बताऊँ आप कैसे हंसा रहे थे मुझे, बताऊँ कैसे? करके दिखाना, डांसी डांसी करके। कैसे? आज हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने और एक इंटरनेशनल प्लेयर आई है, देख के तो इंटरनेशनल ही लग रही है। आज होने वाला है बैडमिंटन का मैच, अलग लेवल, इंटरनेशनल प्लेयर के लिए गेट खोलते हुए यहाँ खेलेंगे। तो ये होगा हमारा एरिया जहाँ पे हम खेलेंगे और यहाँ मैं आपको हरा दूंगी, देखते हैं ना इसमें कितना है दम। आप ही हराओगे मेरे को लग रहा है। नहीं, आप बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी लग रही हो,
इसलिए मेरे को लग रहा है आप हरा दो। सो मेरे दो प्यारे प्यारे दोस्त जो कि चंडीगढ़ से जा रहे थे वो आ रहे हैं। बिपुल भाई और रोशन आ चुके हैं बड़ौदा और भाइयों को रूम में चेक इन कराने जा रहा हूँ। वेलकम माय ब्रदर्स। क्या बात है। वेलकम वेलकम। मेरा नाम श्लोक है। श्लोक आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया यहाँ पे, कैसे आ गए आप? ये मेरे साथ फोटो खिंचवाने आ गया। क्योंकि एक्चुअली उनकी यूट्यूब चैनल थी। हाँ। तो मैं उनका व्लॉग्स देखता था तो मुझे पता चला कि ये लक्ष्मी स्टूडियोज में ही है। ये जो श्लोक है इसकी शूटिंग चलती है यहाँ पे फिल्म सिटी में ही और ये मुझे अपने शो का सेट दिखाने वाला है। गुजराती शो में एक्टर है ये बच्चा एक्टर। अच्छा श्लोक, अगर डोरेमोन का एक डायलॉग मुझे गुजराती में बोलना है कि नोबिता तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो कैसे बोलूंगी? नोबिता ते तेरा होमवर्क क्या ना करियो। नोबिता ते तेरा होमवर्क क्या ना करियो। क्या ना करियो। नोबिता तू तेरा होमवर्क क्या ना करियो। सही है। हाँ, सही है एकदम। 10 out of 10। यस। वहां पे वो इस दीवार के पीछे वो मंदिर है कृष्ण। अच्छा वहां पे। और ये सब घर है। ये सब पूरा आपका सेट है मतलब? हाँ, पूरा सेट है ये। तो इसमें आपका घर कौन सा है? मेरा घर वाला। ये वाला? नहीं, इसके बाद वाला। आपका घर बना हुआ है? हाँ। तो हम वहाँ जा सकते हैं देखने? आओ ना। तो गाइज ये पूरा गांव का सेट बना हुआ है यहाँ पे। गांव का सीन, गांव के सीन यहाँ पे शूट होते हैं। और ये घर है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और ये वाला श्लोक का घर है ना श्लोक? तो इसके अंदर कुछ होता भी है कि वो भी ऐसी बस बाहर का हाथी के दांत? इसके अंदर। अच्छा प्रॉपर सब बना हुआ है लेकिन अंधेरा है ना, अभी दिखा नहीं पाएंगे है ना, अंदर पूरा अंधेरा है। 4 साल का था ना तब से मैं बहुत कम अभी तो देखता हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत ज्यादा देखता था। तो आपकी वो थी ना, तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको फिर से आ जाना चाहिए। चलो गाइज आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फिर से आना चाहिए कि नहीं। चलो मैं जा रही हूँ, बाय बाय।